है काफ़ी तोड़फोड़ कर रहा है, कभी कुछ माँ से रिलेटेड गुस्सा है वो, और कहीं ना कहीं ब्रेसलेट से भी रिलेटेड गुस्सा है। क्या हुआ एग्जैक्टली कि उनको इतना गुस्सा आ गया? बेसिकली लीव के बाद नरीन को जिस तरीके से हमने कोल्ड ब्लडेड एंग्री देखा है, हाँ दुनिया के सामने वो एक अलग रूप बना था, लेकिन जो अंदर ही अंदर उसे जो तकलीफ हो रही है, हमने अब तक इतने एपिसोड्स में दिखाया नहीं था। सबको पता है कि मरीन गुजर गया है, माँ की हालत इतनी बुरी है, लेकिन उसके वजह से उस पर जो असर हुआ है, कहीं ना कहीं उसने खुद को इतना दबा के रखा है, और जब आज माँ को फिर से चोट पहुँचती है और जब डॉक्टर उसे कहता है कि शायद ज़िंदगी भर माँ को व्हील चेयर और नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे फिर से वही चीज़ बार बार दिमाग पे दिल पे लगती रहती है, और उसे इतना उसे इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो दिल से सोचना उसे बंद कर दिया। आज पहली बार लीव के बाद नरीन की आंखें थोड़ी नम हुई, आज पहली बार एक पूजा के लिए इसका एक जो सॉफ्ट कॉर्नर वो कहीं दिखा, और इट्स जस्ट दैट कि वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस और इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि वो चाह के भी खुद को बदल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं गिल्ट कह सकते हैं इसे कि गिल्ट बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि गिल्ट किस बात का जब अपने खुद के छोटे भाई को मरते हुए देखना, अपनी माँ को इस हालत में देखना, और इसका जिम्मेदार भी उसे पता है कौन है, तो उसे किसी बात का गिल्ट नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल जस्टिफाइड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ जस्ट दैट कि जैसे दानिश जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, वो आज उसे कहता है कि आप जितना बुरा बनने की कोशिश करते हो उतना तो दुनिया के लिए तो वो उतना ही बुरा है, लोगों के लिए उतना ही बुरा है, लेकिन जो जानते हैं कि ऐसा क्यों है वो शायद समझते हैं। थैंक यू सो मच। तो पूजा, आपका किडनैप हो रहा है काफ़ी खुफिया तरीके से, एकदम आपको बांध दिया गया, आपके सिर को बांध दिया गया, क्या कहते हैं? कुछ समझ नहीं आया, बस घर की तरफ जा ही रहे थे, कुछ गुंडे पीछे पड़ रहे थे पूजा के, शायद वो नहीं जाते थे कि पूजा को नकली माँ बाप का सच, नकली चाची चाची का सच पता चले। लेकिन सही टाइम पर नरेंद्र ने आके पूजा को बचा तो लिया, लेकिन एकदम द्वार पे, घर के द्वार पे पूजा को कोई उठाकर लेके चले गए हैं लोग, और वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं अब इसका तो पूजा बाद में ही पता लगा सकती है, अभी तो फिलहाल किडनैप करके लेके चले गए। अच्छा, क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है ये आपके पीछे? अच्छा, घर में विलन्स कौन कौन है ये तो पूजा को पता ही है, कौन उसे नहीं चाहता, लेकिन ऐसे किसी पे ब्लाइंडली नहीं किसी को अक्यूज़ कर सकते, तो अभी पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली है कौन और किसने पूजा को किडनैप करने की कोशिश की है, और सबसे पहले तो पूजा को खुद को छुड़वाने की कोशिश करेगी। लास्टली क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए? फैंस के लिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं, थैंक यू सो मच, आप हमेशा ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए और देखते रहिए प्यार मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं व्योम जो है, मतलब आप जान ही गए होंगे कि आखिर उसने जो है बच्ची को किडनैप कर ही लिया है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे उस पर? एज अ मदर माधवी इज़ वेरी शॉक्ड। वो बचपन से ही व्योम की बहुत सारी चीज़ों को छुपाती आई है, उसको बचाती आई है, उसकी ज़िद पूरी करती आई है, तो अल्टीमेटली वो इस लेवल तक पहुँच जाएगा कि वो कुछ भी कर सकता है, अपनी खुद की कज़न को मतलब किडनैप कर सकता है, तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। सो दैट इज़ वाई माधवी स्टेप्स आउट टू सेव अवनी। सो दैट इज़ द सीन दैट वी आर डूइंग टुडे, कि मेरे को थोड़ा बहुत स्टंट करना पड़ा है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर।